वेलकम बैक टू आवर चैनल जेनी ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एल्केलॉइड, यानी एल्केलॉइड्स जो हैं उनका एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन कैसे करें उसके बारे में बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में, जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने एल्केलॉइड्स की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, केमिकल टेस्ट और फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था पार्ट वन के अंदर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आपको बेल आइकन के अंदर या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। इसका जो नोटिफिकेशन या लिंक है आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एल्केलॉइड्स की और यूजेस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एल्केलॉइड की एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन प्रोसेस जो होती हैं उनको अपन करने के लिए दो मेथड होते हैं, मेथड वन एंड मेथड सेकेंड। तो जो मेथड फर्स्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो मेथड फर्स्ट के अंदर क्या करना है अपने को, सबसे पहले जो ड्रग है, क्रूड ड्रग है, ड्रग इज़ पाउडर्ड बाई ग्राइंडर, यानी ग्राइंडर की हेल्प से पाउडर जो ड्रग है उसको पाउडर कर देना है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या करना है, ड्रग इज़ मॉइस्चर विथ वाटर एंड हीटेड विथ लाइम, यानी जो ड्रग है उसको लाइम के साथ हीट करना है, लाइम के साथ हीट करना है। और उसके बाद जो ड्रग है, ड्रग इज़ एक्सट्रैक्टेड विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक पेट्रोलियम स्पिरिट और ईथर, यानी जो लाइम के साथ हीट करने के बाद जो ड्रग है उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या ले सकते हैं, लाइक पेट्रोलियम स्पिरिट या फिर ईथर, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है पेट्रोलियम स्पिरिट या ईथर उसके साथ ड्रग को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, जब ड्रग एक्सट्रैक्ट हो जाती है तो जो उसको है फिल्टर करना है, फिल्टर इट एंड कलेक्ट द फिल्टर इट। जब ड्रग को फिल्टर करते हैं तो जो फिल्टर इट बचता है नीचे फिल्टर करने के बाद, तो उसको कलेक्ट करना है फिल्टर इट को। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, टू फिल्टर इट एड वाटर एंड सेपरेट द ऑर्गेनिक लेयर, यानी जो फिल्टर इट बचता है उसके अंदर वाटर एड करना है और उसको वापस सेपरेट करना है। जब सेपरेट करते हैं तो ऑर्गेनिक लेयर को सेपरेट करना है, यानी ऑर्गेनिक लेयर को अपना रख देना है और जो एक्वस लेयर है उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो जो ऑर्गेनिक लेयर बचती है, ऑर्गेनिक लेयर शेकन विथ एक्वस एसिड, यानी जो ऑर्गेनिक लेयर है उसको एक्वस एसिड के साथ शेक करना है उसको, और फिर उसको सेपरेट आउट कर देना है। जब सेपरेट आउट करते हैं तब जो ऑर्गेनिक लेयर है उसको रिजेक्ट कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। रिजेक्ट ऑर्गेनिक लेयर एंड एक्वस लेयर ऑब्टेन कंटेन द एल्केलॉइडल सॉल्ट, जो ऑर्गेनिक लेयर को अपन डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो जो एक्वस लेयर बचती है, एक्वस लेयर ऑब्टेन, जो एक्वस लेयर बचती है उसके अंदर कंटेन द एल्केलॉइडल सॉल्ट, यानी उसके अंदर एल्केलॉइडल सॉल्ट होते हैं। जस्ट रिमेंबर करने के लिए वापस बता देता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस होती है ड्रग को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद उसको जो है लाइम के साथ हीट करना है, हीटेड विथ लाइम। देन थर्ड प्रोसेस हो गई इसकी, थर्ड प्रोसेस में क्या करना है, ड्रग इज़ एक्सट्रैक्टेड विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट या जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके अंदर अपन पेट्रोलियम स्पिरिट या फिर ईथर यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ प्रोसेस हो गई इसके अंदर फिल्टरेशन, यानी उसको फिल्ट्रेट करना है और जो फिल्ट्रेट बचता है नीचे उसको कलेक्ट करना है। फिफ्थ प्रोसेस हो गई इसकी टू फिल्टरेट, यानी जो फिल्ट्रेट बचता है उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे और उसको वापस फिल्टरेट करेंगे या सेपरेट करेंगे, तो ऑर्गेनिक लेयर को अपने पास रखना है, ऑर्गेनिक लेयर को रखना है और जो एक्वस लेयर होती है उसको डिस्कार्ड कर देना है। सिक्स्थ प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या करना है, ऑर्गेनिक लेयर शेकन विथ एक्वस एसिड, जो ऑर्गेनिक लेयर अपन ने कलेक्ट की थी उसको एक्वस एसिड के साथ शेक करना है और सेपरेट कर देना है। ठीक है, जब सेपरेट करते हैं तो ऑर्गेनिक लेयर जो है उसको डिस्कार्ड कर देना है।
ऑर्गेनिक लेयर डिस्कार्ड करने के बाद एक्वस लेयर ऑब्टेन होती है, एक्वस लेयर ऑब्टेन होती है, उसके अंदर जो है एल्केलॉइडल सॉल्ट प्रेजेंस होते हैं। तो ये हो गया मेथड फर्स्ट एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ एल्केलॉइड। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की। तो मेथड सेकेंड के अंदर भी थोड़ा बहुत सेम सेम है कि सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस होती है वो भी सेम ही है कि ड्रग इज़ पाउडर, यानी ड्रग को जो है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकेंड स्टेज जो होती है मॉइस्चर्ड विथ वाटर एंड ट्रीटेड विथ एसिड, यानी जो इस मेथड सेकेंड के अंदर क्या करना है, ट्रीटेड विथ एसिड यानी एसिड के साथ उसको जो ड्रग है उसको ट्रीट करना है। थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या करना है, ड्रग इज़ एक्सट्रैक्टेड विथ एल्कोहल और वाटर, यानी जो ड्रग है उसको वाटर या फिर एल्कोहल के साथ उसको एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस उसको करना है वाटर या फिर एल्कोहल के साथ। फोर्थ प्रोसेस हो गई इसकी, फिल्टर इट एंड एसीटोन ऐड करना है इसके अंदर, यानी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है फोर्थ के अंदर, फिल्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद उसके अंदर एसीटोन ऐड करना है। एसीटोन ऐड करते हैं, ठीक है, जो फिल्ट्रेट बचता है जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, तो जो नीचे बचता है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर या फिर कोई अदर इक्विपमेंट ले सकते हैं आप, तो फिल्ट्रेट जो बचता है नीचे ये वाला, इसके अंदर एसीटोन ऐड करना है। एंड फिफ्थ प्रोसेस है रिजेक्ट ऑर्गेनिक लेयर, जो ऑर्गेनिक लेयर बचती है उसको रिजेक्ट कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, और विच कंटेन सम इम्प्योरिटी, क्योंकि जो ऑर्गेनिक लेयर है उस लेयर है उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। देन सिक्स्थ प्रोसेस है इसकी, वो है एक्वस लेयर ऑब्टेन कंटेन्स एल्केलॉइड, क्योंकि अपन ने ऑर्गेनिक लेयर को डिस्कार्ड कर दिया था तो अपने पास एक्वस लेयर बचती है, तो एक्वस लेयर के अंदर एल्केलॉइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एल्केलॉइड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। सेवन्थ जो प्रोसेस होती वो है जो एल्केलॉइड बचता है एक्वस लेयर के अंदर उसको जो है ट्रीटेड विथ अमोनिया, उसको अमोनिया के साथ ट्रीट करना है, और या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर अमोनिया के साथ ट्रीट कर सकते हैं। एंड वापस उसको जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करना है उसके अंदर, अमोनिया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करने के बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट प्रोसेस है रिजेक्ट द एक्वस लेयर, जब ऑर्गेनिक लेयर ऐड करते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं उसके बाद, उसके अंदर जो है एक्वस लेयर को आप रिजेक्ट कर दो, डिस्कार्ड कर दो, और बाद में जो ऑर्गेनिक लेयर बचती है, एक्वस लेयर रिजेक्टेड एंड द ऑर्गेनिक लेयर ऑब्टेन कंटेन एल्केलॉइड, तो ऑर्गेनिक लेयर के अंदर जो है एल्केलॉइड प्रेजेंट होते हैं। तो वापस मैं आपको रिमाइंड करने के लिए बता देता हूँ कि ड्रग को सबसे पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद ट्रीटेड विथ एसिड यानी एसिड के साथ उसको ट्रीट करना है, उसके बाद ड्रग इज़ एक्सट्रैक्टेड विथ एल्कोहल और वाटर, यानी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है उसके अंदर एल्कोहल या फिर वाटर यूज़ कर सकते हैं। देन फिल्ट्रेशन प्रोसेस करनी है तो जो फिल्ट्रेट बचता है नीचे, फिल्टरेट, उसके अंदर एसीटोन ऐड करना है, एसीटोन उसके अंदर ऐड कर देंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक लेयर और एक्वस लेयर बनती हैं, तो ऑर्गेनिक लेयर को अपन डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। देन उसके बाद प्रोसेस जो है एक्वस लेयर, क्योंकि ऑर्गेनिक लेयर अपन डिस्कार्ड कर रहे तो एक्वस लेयर बचेगी, एक्वस लेयर के अंदर एल्केलॉइड प्रेजेंट होते हैं, तो उसके अंदर क्या करना है, जो एक्वस लेयर है उसको ट्रीटेड विथ अमोनिया, अमोनिया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उसको ट्रीट करेंगे, और उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड कर देंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करने के बाद दो लेयर बन जाएगी, एक्वस लेयर और ऑर्गेनिक लेयर, तो एक्वस लेयर को रिजेक्ट कर देना है, और ऑर्गेनिक लेयर जो बचती है उसके अंदर एल्केलॉइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोसेस है मेथड वन एंड मेथड सेकेंड। तो मेथड जो फर्स्ट था, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, मेथड फर्स्ट था उसके अंदर जो है अपन ने क्या रिजेक्ट किया था, ऑर्गेनिक लेयर रिजेक्ट की थी और एक्वस लेयर में एल्केलॉइड प्रेजेंट थे। बट जो मेथड सेकेंड है, ये वाला जो मेथड है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, एक्वस लेयर को रिजेक्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनिक लेयर से एल्केलॉइड जो है अपन रिसीव कर रहे हैं।
तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको आई थिंक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल पे आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड जय हिंद।